और मुझे पता है कि मैं फिर इस 6 मंथ के दौरान बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाऊँगा और एक एक लेवल का एक्टर बनूँगा ज़रूर, ये मुझे ओके विश्वास okay. भी है। हम बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल कर करके फिर आगे हम जा पाएंगे। पहले ही काम में इस लेवल का एक्सेलेंस जब उन्होंने दिखाया तो दुनिया के महान कलाकारों में वो शामिल हो गए। दोस्तों, मेरे साथ एडवांस एक्टिंग ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं। एडवांस ये जो नाम है उस नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपकी एक एक्टर बनने के पीछे की सोच क्या है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करते वक्त हम किस सोच से शुरू करते हैं वो बहुत मैटर करता है। सही है? तो दीपक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने 1 ईयर एक्टिंग ट्रेनिंग कोर्स चुना है, क्या रीज़न है? सर मुझे लगा कि मैं 1 साल का कोर्स लूँगा तो मैं मुझे ज़्यादा सीखने को मिलेगा सर। मैं 6 मंथ में वो नहीं सीख पाऊँगा जो मैं 1 ईयर के कोर्स में सीख पाऊँगा, इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो सारी चीज़ जाए ताकि मुझे आगे चल के कठिनाइयाँ ना हो कि मैंने 3 मंथ किया, 6 मंथ किया, फिर से मैं थिएटर करूँ, उधर उलझूँ। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने 1 ईयर का कोर्स लिया ताकि मुझे अच्छे से सीखने को मिले, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ तो मेरा डिक्शन बहुत ख़राब होता है, तो हम 3 महीने में अपना डिक्शन तो सही नहीं कर लेंगे। मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं जो तो आपने मिलती हैं। 1 साल अपना डेडिकेट करने का प्लान किया हाँ सर कि 1 साल मेरा पूरा एक्टिंग के लिए मैं दे दूंगा। जी ओके। अभिषेक, तुमने क्यों चुना 6 मंथ कोर्स, क्या उसके पीछे का कारण था? सर, 6 मंथ को कोर्स को चुनना सर इसलिए था, कारण ये था ये कि 3 मंथ कोर्स की ड्यूरेशन क्योंकि कम है और जब मैं इतना बड़ा सपना लेकर आया हूँ तो उसके लिए टाइम भी तो देना ज़रूरी है। 3 मंथ का जो कोर्स मैंने जब सुना था तो मुझे वो काफ़ी कम ड्यूरेशन लगी थी, तो इसलिए मैंने 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन किया जिसमें ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा है। और 3 मंथ में कोई एक अच्छा एक्टर कैसे बन सकता है, ये मेरे दिमाग में ये बात थी, तो इसलिए मैंने 6 मंथ का एडवांस एक्टिंग कोर्स जो ज्वाइन ज्वाइन किया। तो उसमें मैंने ये सोचा था कि इस कोर्स के दौरान मैं अपने आप को ज़्यादा समय दे पाऊँगा और क्लासेस भी ज़्यादा मिलती है इसमें, तो इस वजह से मैंने 6 मंथ की एडवांस जो कि बैच थी वो ज्वाइन कर ली। और मुझे पता है कि मैं फिर इस 6 मंथ के दौरान बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाऊँगा और एक एक लेवल का एक्टर बनूँगा ज़रूर, ये मुझे ओके विश्वास भी है। मेरा ये है कि जैसे कि 3 महीने में मैं इतना अपने आप को इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाता। मैं ऐसा समझ रहा था कि मैं 6 महीने में सीख लूँगा, पर 3 महीने में मेरे से नहीं होगा। और जैसे कि कैमरा एक्टिंग है तो 3 मंथ के उसमें इतने वो नहीं है, तो 6 मंथ में है ना, और तो ऑन कैमरा एक्टिंग, फिर शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। मुकेश, मैंने एडवांस बैच इसलिए चुना है क्योंकि करियर बनाना है इसी में, और एडवांस बैच में जो है बेसिक से ऊपर, तो बेसिक बेसिक किन लोगों के लिए है? जो बस अपना शौक पूरा करना चाहते हैं उन ट्रायल लोगों के एरर। लिए बेसिक, बाकी जो इसमें ही अड़ जाना चाहते हैं, अपना अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हो गया एडवांस बैच। तो इसलिए मैं एडवांस बेस्ट चुना क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे हैबिट में उतारने के लिए उसको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, बॉडी के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाकर वो बैठ जाती है सिस्टम में, वो घुल मिल जाती है, और जब सिस्टम में घुल मिल जाती है तब और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने में वो सिस्टम में घुल नहीं पाएगी, तो इसके लिए 6 महीना, 1 साल, और जितना टाइम देंगे वो उतना ज़्यादा मतलब बाहर रिएक्ट होके दिखेगा। कुल मिलाकर तुम सबके मेरे ख्याल से यही कारण हो सकते हैं। देखो, जो भी कारण आप सबने बताए वो कारण मेरे हिसाब से गलत है। मैं 1 साल सीखूँगा तो ऐसा ऐसा होगा, मैं 6 महीने सीखूँगा तो ऐसा ऐसा होगा। घुमा फिरा कर हमारी जो दौड़ है, एक एक्टर की तौर पे हमारी जो दौड़ है वो दौड़ सच्चाई की तरफ, ट्रुथ की तरफ, कि मैं जो भी कैरेक्टर करूँगा वो कैरेक्टर झूठ ना लगे, मैं ऐसा ना लगूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब सही लगने के लिए क्या होता है कि हमें उस कैरेक्टर में जाना होता है, उस कैरेक्टर को जीना होता है।
बिल्कुल ऐसे जैसे ये सब कुछ सच में हो रहा है। और वो होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ होगा तो वो है मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग का नाम सुना है? यस सर। मेथड एक्टिंग स्टैनिस्लावस्की है, माइज़नर है और बहुत सारे फिलोसोफर है, बहुत सारे एक्टिंग टीचर है इंडियन इंटरनेशनल जिन्होंने ये सब बातें बताई है। तो क्या है मेथड एक्टिंग, क्यों करनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, तो ब्रीफ में आपको मैं बताता हूँ और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये वीडियो देखते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। क्या होता है कि 3 महीने का कोर्स जो भी करते हैं वो बेसिक कोर्स है कि जो भी एक्टिंग में आना चाहता है, आइसक्रीम का कप होता है ना, उसका एक स्पून सिर्फ वो टेस्ट करता है, एक स्पून, टोटल आइसक्रीम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिखाने में कुछ कसर रखते हैं कि अच्छा बेसिक कोर्स है तो ये कुछ सिखाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ समझने के लिए टाइम लगता है। एक्टिंग में सबसे पहले किसको समझना होता है, पहला काम क्या होता है? खुद को, कि मैं कैरेक्टर हूँ, पहले मैं अपने आप को तो समझूँ कि मैं क्या हूँ। तो वो समझने का एक टेक्निक है, वो टेक्निक मेथड एक्टिंग में आप सीखते हो। वो टेक्निक सीखने के बाद फिर आप काम करना शुरू करते हो। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो बेसिक एक्टिंग कोर्स में जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके अंदर जल्दबाजी होती है, फटाफट फटाफट मैं आया, मैंने देखा, मैंने सीखा और तुरंत मुझे काम करना है। और जो सतही तौर पे काम करना होता है ना, कि डायलॉग याद कर लिए, कैमरे के सामने आके बोल दिए, उसके बाद थोड़ी झूठी झूठी एक्टिंग की, आँखों से झूठा झूठा रोना, हंसना और डांस सीख लिया, थोड़ा सा जनरल एक्टिविटी कर ली, वो सब करके उनको लगता है कि मैं एक्टर बन गया। लेकिन क्या वो एक्टर बन गए? क्यों नहीं बने पता है? क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, नाना पाटेकर, ये जो पंकज त्रिपाठी और भी बहुत सारे जो एक्टर्स हैं ना, ये जो एक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये कैरेक्टर को जीते हैं। और वो जीने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस 2 दिन का नहीं है, वो शायद 2 महीने का भी नहीं है, वो शायद 6 महीने का भी नहीं, 1 साल का भी नहीं, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, ये मैं भी आपको नहीं बता सकता। वाई यू नो, जैसे मैगी है तुरंत बनती है, तुरंत खाते है ख़त्म हो जाती है, तो वैसे सतही तौर पर दिखावटी एक्टिंग जो हम करते हैं ना वो बहुत ईजी है, वो बच्चा बच्चा कर सकता है। ज़्यादातर ये एक्टिंग आप सीरियल्स में देखोगे, झूठा रोना, झूठा हंसना, कैमरे के एंगल, डैश डैश टिन डैन, अलग अलग एंगल, म्यूज़िक, और उन सब चीज़ों में उलझा के रखते हैं आपको। लेकिन पूरी सच्चाई के साथ जो कैरेक्टर निभाना होता है वही चीज़ आप सीखते हो, समझते हो। क्यों? क्योंकि पहले 3 महीने ये आपके खुद को समझने में ही चले जाते हैं, खुद की कमियाँ, खुद के प्लस, खुद के माइनस वो समझते हो। और जो फिल्मी एक्टिंग आपके दिमाग में होती है बचपन से, जिस हीरो हीरोइन को आपने फॉलो किया है वो एक्टिंग निकल आती है, वो आप उस हीरो हीरोइन की तरह बर्ताव करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन डीप डाउन उस कैरेक्टर को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उसके बाद आपको समझ में आना शुरू होती है। और 3 महीने के बाद आप क्या करते हो पता है? आप एक्टिंग करना बंद करते हो, आप एक्टिंग करना बंद करते हो और आप कैरेक्टर को जीना शुरू करते हो। और कैरेक्टर को जीने के लिए क्या प्रोसेस होगी? मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग मतलब एक तरीका, जैसे हमारी मम्मी पनीर, चिकन, जो भी अच्छा बनाती है उनका एक तरीका है वो बनाने का, वो मेथड है। हर एक्टर की अलग अलग मेथड है, जो भी एक्टिंग के टीचर्स है उन्होंने जो बताया है दैट इज़ डिफरेंट, वो भी कुछ अलग है। तो जैसे जैसे आप एक्टिंग करना शुरू करते हो धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइजेस के ज़रिए आप अपने अंदर चेक करते हो, आप अपने अंदर जाना शुरू करते हो, आप अपने अंदर चेक करते हो कि क्या मैं वो अनुभव कर रहा हूँ। आप अपने आप को पूछते हो कि मैं एक्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं सच्चाई के साथ इस कैरेक्टर को नहीं निभा रहा हूँ। और वो थॉट प्रोसेस शुरू होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो थॉट प्रोसेस जब शुरू होती है तब आपको अनुभव मिलना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से आप में से कुछ एक्टर्स ने उसका अनुभव लिया होगा,
लिया है? यस सर। है ना, मैंने इन लोगों को एक सीन दिया था जहाँ पर इनको इमेजिन करना था कि ये दुबई में काम करते हैं और मम्मी से बहुत प्यार करते हैं और मम्मी गांव में रहती है, मम्मी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं और जो भी पैसे जमा होंगे, जो मम्मी गांव में किसी और के घर पे रहती है बेचारी पैसे ना होने की वजह से, तो उस माँ को इनको घर गिफ्ट करना है गाँव में और उसके लिए दिन रात ये मॉल में काम करते, छोटा मोटा काम है दुबई में, और दो साल से अपने गाँव नहीं आए और अब माँ ने बोला कि बेटा आजा आजा। फाइनली उनको खबर मिलती है कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई और इसीलिए उनको वापस आना पड़ता है, तो दो तीन दिन लेट ही आप लोग वापस आते हो। वापस जब आते हैं तो आने के बाद तो उनको घर में दिखाई देता है कि घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और घर के अंदर जब ये एंट्री करते हैं तो पता चलता है कि माँ की लाश, डेड बॉडी पड़ी हुई। अब इस सीन को प्रिपेयर करने के लिए हमने जो जो चीज़ें की उसके थ्रू आपको जो अनुभव आया वो मेथड एक्टिंग। जी सर। हमने पूरी बायोग्राफी बनाई उस कैरेक्टर की, उस कैरेक्टर का नाम इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ऑडियंस के लिए वो एग्जिस्ट करता है। पूरी बायोग्राफी उसके नाम से लेके उसकी पूरी कुंडली निकालते हैं ना हम लोग, उस तरीके से हमने पूरी कुंडली निकाली और वो एक्सरसाइज ही 15 दिन तक चली। उन 15 दिनों में फिर कैसे उस कैरेक्टर को फील करना है, किस तरीके से उसको निभाना है, वो सारी प्रोसेस इन्होंने प्रैक्टिस की। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जब ये लोग परफॉर्म कर रहे थे तब इनमें से कुछ ही लोगों को 1% अनुभव आया होगा, 1% कि मैं कैरेक्टर में हूँ, 99% अभी भी बाकी। और मैंने इनको बोला था कि आप एक्टिंग मत करो, जैसे आके माँ क्या कैसे हुआ, अब मैं किसके लिए जूँ माँ, ये सब मैं किसके लिए कमा रहा था माँ, वो जो 90s के ज़माने की पिक्चरें है वो एक्टिंग नहीं चाहिए थी। यहाँ पर क्या है, जज ये खुद है, इनका जज मैं भी नहीं हूँ, इनके जज ये खुद है कि जब एंट्री करते हैं वो बैग नीचे डालते हैं और सामने इमेजिनरी कैरेक्टर मतलब इन्हीं में से एक कैरेक्टर सोया हुआ है, उसके बॉडी पे एक चादर रखी है एंड इनको इमेजिन करना है कि ये मेरी माँ है। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एक्टिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी हमने सीखा समझा, बट स्टिल वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए। आपने शायद यूट्यूब पर कुछ क्लिप्स देखे होंगे, शॉर्ट्स उस सीन के, इमोशनल एक सीन है मेथड एक्टिंग का, तो आप उस तक पहुँच नहीं पाए लेकिन आपने कोशिश की। बट एक अच्छी बात क्या हुई पता है, कि इसके आगे आप लोग झूठी एक्टिंग नहीं करो। जब लाइट आता है तो अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको यही नहीं पता कि मैं ऐसी एक्टिंग कर रहा हूँ जो एक्चुअली झूठी है, जो सिर्फ दिखावटी एक्टिंग है, उसमें सच्चाई है ही नहीं। तो सेम चीज़ किसी और कैरेक्टर के साथ भी हो सकती है, जो आपने अभी ये मरने का किया कि वहाँ पर आंखों से आंसू आना भी कंपलसरी नहीं था, वहाँ पे अंदर से मेरे ऐसा फील हो कि ये सब कुछ मेरे साथ सच में हो रहा है, ये मेन पर्पस था। और मैं एक बात आपको और आपको बताऊं, मैं भी से तुम्हें निकलना है, मैं भी से तुम्हें निकलना है और सिर्फ मैं उसमें आना है। मैं भी का मतलब क्या होता है, 80% लोग ऐसे हैं, मैं भी एक्टर 80%, लेकिन काम कैसा, एवरेज काम, नो एक्सेलेंस नो बेस्ट वर्क। 20% लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं कि जिसको देख के दुनिया सलाम करती है। फॉर एग्जांपल अभी एक मूवी आई थी जिस मूवी का जो एक्टर है उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला, जो UPSC MPSC पे थी, 12th fail का जो एक्टर है उसने जो कैरेक्टर दिखाया है वो एक्सलेंस है। अगर वो 80% में थे तो अभी वो 20% में आए जहाँ पर एक्सलेंस है, और अगर एक्सलेंस आपके अंदर आ गया एक्टिंग में तो आप भीड़ से निकल के आप कुछ अलग बन जाओ। आज आप देखो राजकुमार राव को इतने स्क्रिप्ट्स आते हैं कि वो बोलते नहीं यार मैं एक ही पिक्चर कर सकता हूँ साल में, क्यों, एक्सलेंस। वो पता है कैरेक्टर को कैसे जिंदा करना है,
वो सिर्फ कैरेक्टर दिखाने के लिए नहीं करते, पैसे कमाने के लिए नहीं करते हो, और उसकी पूरी प्रोसेस है। वो जो छोटी 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 बातें इस कोर्स में आप सीखोगे, सीख रहे हो, वो सब से क्या होगा, तुम एक्टिंग करने से लेके, एक्टिंग करने से निकल कर ना एक्टिंग करने के जोन में जाओगे, और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स पैदा करोगे आप, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स निभाओगे कि जो आपको बहुत हैप्पीनेस देंगे अंदर से, एंड दैट्स व्हाई यू आर इन एडवांस एक्टिंग। तो वो जो सारी टेक्निक्स है, वो टेक्निक सीख के आप जब बाहर निकलोगे, तो कॉमन 80% वाला जो एक्टर है उसमें और 20% वाले एक्टर में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे, माइकल एंजेलो, आपने सुना है नाम आप लोगों ने? यस सर, यस सर। इनको तो शायद लास्ट क्लास में मैंने ही बताया, मूर्तिकार थे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, आप लोग भी सुनो। और उन्होंने मूर्तिकला को इस लेवल पे एक्सलेंस को अचीव किया कि जब उनको पहली मूर्ति बनानी थी, वो मूर्ति उन्होंने बनाने के लिए एक जगह गए और उन्होंने देखा बहुत बड़ा पत्थर है जो जिसकी मूर्ति बहुत अच्छी बन सकती है, और उन्होंने पूछा ये पत्थर मुझे मिलेगा क्या? तो उसने बोला हाँ लेके जाओ, यहाँ पड़ा हुआ है, हमारे कुछ काम का नहीं, लेके जाओ। वो लेके गए, लेके जाने के बाद 4 साल लगे, और उन 4 सालों में उन्होंने जो मूर्ति बनाई जीसस की, और जो स्टैचू उन्होंने बनाया मदर मेरी एंड जीसस, वो आप जाके देखो, दुनिया के महान जो स्टैचूज़ है उनमें से एक है। जो डिटेलिंग है ह्यूमन बॉडी की, जो डिटेलिंग है वो उसमें, आप वो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पत्थर है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मूर्ति, आपको लगेगा कि एक्चुअल वो जो गॉड है वो आपके सामने। पहला काम, हम बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल कर करके कर करके फिर आगे हम जा पाएंगे, पहला काम में, पहले ही काम में इस लेवल का एक्सलेंस जब उन्होंने दिखाया तो दुनिया के महान कलाकारों में वो शामिल हो गए। और उसके बाद जो जो काम उन्होंने किया वो एक से बढ़कर एक था, उसके आगे ही चले गए। तो हम क्या सोचते हैं एक्टर्स कि चलना थोड़ा बहुत सीख के ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा, पता नहीं इतना पैसा कौन बर्बाद करेगा, मुंबई जाना, एक्टिंग कोर्स का फीस पे करना, उतना ठहराव के साथ 6 महीना साल भर सीखना, तो वो हम प्रिफर नहीं करते। तो मेरा कहना ये है आप लोगों को भी और आप लोगों को भी, कि जब आपको बिलीफ है कि मैं ये करूँगा ही, कुछ भी हो जाए मरते दम तक मैं एक्टिंग में ही जीऊँगा मरूँगा, तो आप सतही तौर पे एक्टिंग मत करो। आपका जज कोई और नहीं है, आप जब एक्टिंग कर रहे हो आपको लगना चाहिए कि मैं कैरेक्टर को जी रहा हूँ अंदर से, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मेरे अंदर से निकल रही है। और वो एक्सेलेंस के लिए आप एडवांस कोर्स में, यस सर, और वो जब आप अचीव करोगे तो उसके बाद भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे। एक बार किसी को अच्छा खाना खाने की आदत लग गई, एक बार किसी को अच्छी जगह पर रहने की आदत लग गई, एक बार किसी को बड़ी कार में बैठने की आदत लग गई, जो मर्सिडीज़ में बैठा उसको पता है कि मर्सिडीज़ का फील क्या है, ऑडी का फील क्या है। तो एक्सेलेंस के पीछे भागना है, दुनिया भागते दौड़ते अपने पास आएगी और अपना काम परफेक्ट बन जाएगा। और जल्दबाजी नहीं चाहिए, है ना, आज ये लगता है, कल वो लगता है, परसों वो लगता है। लड़कियाँ ग्लैमर के पीछे सोचती है कि नहीं, नेम फेम ग्लैमर के पीछे मैं काम करती हूँ, लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं होती। इसीलिए माइंड के साथ, साइकोलॉजी के साथ, समझ के साथ, अपने शरीर के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ, ये सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ेंगी आप देखेंगे कि आपके अंदर से बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और आपके कोर्स में नाटक है, ड्रामा जो होते हैं, कॉलेज में किया जाने वाला नाटक और एक्टिंग स्कूल में आने के बाद किया जाने वाला नाटक, इट्स वेरी डिफरेंट। नाउ मैं आपको 15 मिनट दूंगा और स्टेज पर 15 मिनट में आपको परफॉर्म करना है। एक कैरेक्टर आप प्ले करोगे और 15 मिनट तक ऑडिटोरियम में आपको लोग देख रहे हैं, देर इज नो अदर एक्टर, यू आर द वन हु इज प्लेइंग एनी कैरेक्टर, और वो आप नहीं रहोगे, आपका एक अलग कैरेक्टर आप प्रेजेंट करोगे। 15 मिनट तक आप उस कैरेक्टर को जियोगे। ड्रामा जो होता है, नाटक,
अगेन बताता हूँ, 80% 20%, व्हाट इज डिफरेंस? 80% मतलब 20 लोग एक नाटक में काम कर रहे हैं और किसी को 2 मिनट 5 मिनट का रोल मिल रहा है। आप मुझे बताइए 2 मिनट 5 मिनट में क्या कैरेक्टर दिखाएगा? वो डायलॉग है ना, क्या गुंडा बनेगा रे तू? 2 मिनट का टाइम मिल रहा है, 5 मिनट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया, निकल गया। लेकिन जब 15 मिनट से लेके आप 1 घंटे का नाटक करोगे कि आप सोलो यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, व्हाट विल बी द लेवल? नसीरुद्दीन शाह बहुत सारे उनके जो स्टोरी टेलिंग करते हैं, एक शाम इस्मत आपा के नाम या बहुत सारे एक्टर्स हैं, दैट इज़ वेरी टफ कि वन मैन कैरिंग कैरेक्टर, वो अपना कैरेक्टर में है एंड वो परफॉर्म कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है, जो मेथड आप सीखेंगे उसको वहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे। एट द सेम टाइम हम जो शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं, वो शॉर्ट फिल्म ऐसी नहीं है कि कुछ भी बना दिया, वो शॉर्ट फिल्म ऐसी है कि जो हम फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजने वाले हैं, कि जहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर हमने चुना कि जो कैरेक्टर दिखाने के लिए, जो कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सीखा है तुमने वो दिखाना भी पड़ेगा ना, उसको परफॉर्म करने के लिए भी मौका चाहिए। मैंने जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी आज से 7 साल पहले, उस शॉर्ट फिल्म में मैंने जिन एक्टर्स को लेके काम किया था, 1.5-2 महीने तो हमने प्रोसेस की थी प्रिपरेशन, एक गांव के बच्चे को लेके कि गांव में सारे टीचर्स हैं, एक्टिंग टीचर क्यों नहीं है। वो शॉर्ट फिल्म बनने के बाद जो अपना एक्टर था स्टूडेंट, वो फीचर फिल्म में लॉन्च हुआ और आज वो अपने गांव में बैठा हुआ है, लेकिन 4-5 पिक्चर वो कर चुका है, तो उसके साथ जो एक्टर्स थे वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ताकत है शॉर्ट फिल्म। सोचो बहुत सारे एक्टर्स मुंबई आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिल पाता, और एक एक्टर अपना स्टूडेंट गांव में बैठा है, उसको लेके लेट्स एक्ट शॉर्ट फिल्म बनाता है और वो लॉन्च हो जाता है, लेकिन जितना क्रेडिट लेट्स एक्ट का है उतना ही क्रेडिट उस स्टूडेंट का भी। व्हाई? बिकॉज तो उसने वो कैरेक्टर उस लेवल पे परफॉर्म किया। हम सब चाहते हैं ना ब्रेक, कि हमको ब्रेक मिले, सर हमको काम दो, सर हमको काम दो, तो इंडस्ट्री में कोई पकड़ के आपको काम नहीं देगा, आपका काम आपको काम देगा। तो उस शॉर्ट फिल्म में आपको मौका है कि इस लेवल पे परफॉर्म करो आप, कि आपकी एक्टिंग देख के बड़े बड़े जो एक्टर डायरेक्टर है उनको भी लगे कि ये नया आर्टिस्ट कौन आ गया। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है पता है, तुम डायरेक्टली कम्पीट किसके साथ करोगे? तुम इंडियन एक्टर के साथ नहीं, 90% तुम जो वर्ल्ड वाइड जो एक्टर्स है ना, दुनिया भर के जो बेहतरीन न्यू कमर्स है, एक्टर्स है, उनकी श्रेणी में जो शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन में आती है उसमें तुम परफॉर्म करो, उसमें तुम कम्पीट करोगे। उसमें जब हम भेजते हैं, लास्ट टाइम हमने लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल में भेजा था, बहुत सारे फेस्टिवल में प्राइज भी मिला था उस शॉर्ट फिल्म को, राइटिंग का, डायरेक्शन का, एक्टिंग का। तो वर्ल्ड लेवल पे जो डायरेक्टर्स है वो तुम्हारा काम देखते हैं कि तुम क्या लेवल पे काम कर रहे हो, और जब वो तुम्हारा काम देखते हैं तो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, सराहना मिलती है। हमें दिखाना पड़ता है कि मैं क्या लेवल पे परफॉर्म कर सकता हूँ, और वो शोकेस तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए, आपके लिए मैं बता दूं कि एक्सलेंस के पीछे भागना है, एक्टिंग कोर्स कितने पैसे का है, क्या है क्या नहीं, उससे निकलो। ओके, जहाँ पर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है, अच्छे कोर्स करने पड़ते और आपकी कैपेसिटी है, वहाँ पर आप एक्सलेंस के लिए वो पे करो। इन फ्यूचर आने वाले समय में मैं एक ऐसे कोर्स पर काम कर रहा हूँ कि जहाँ पर मैं एक्टर्स को ट्रेन करूँगा मेरे टीम के साथ, और ट्रेनिंग के बाद मैं सीधा उनको फीचर फिल्म में लॉन्च करूँगा। फीचर फिल्म मतलब पिक्चर मूवी, और वो भी आर्टिस्टिक मूवी होगी, जैसे इकबाल था, फैंड्री था, मराठी फिल्म में फैंड्री बहुत अच्छा, कि कोई ऐसा इशू उठाएंगे कि जिस इशू को लेके उस फिल्म में प्रेजेंट करेंगे, वो भी इंटरनेशनल नेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए वो जाएंगे। लेकिन हाँ, वो कोर्स में आना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आएंगे उनमें से 20 स्टूडेंट के हम शायद बैच बनाएंगे, और 20 स्टूडेंट के बैच बना के वो सारा जो ट्रेन उनको करना, जो अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स होंगे, अवार्ड विनिंग टीम होगी, उसका तामझाम भी बड़ा है, बहुत सारा खर्चे वाला वो कोर्स है। लेकिन जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं
जिनको लगता है कि ट्रेनिंग के साथ मुझे सीधा पिक्चर में लॉन्च होना है, वो लोग हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्वरूपा मैम को पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसे कैसे क्या क्या इसकी प्रोसेस है। बट आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर आप एक शॉर्ट फिल्म में लॉन्च होने वाले हो जो फेस्टिवल के लिए भेजी जाएगी, वो भी तुम्हारे लिए एक शोकेस साबित होगी, वो भी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। एंड जो मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ उसके साथ मेरे जो म्यूज़िक वीडियोज़ है उन म्यूज़िक वीडियोज़ में भी कुछ लोग लॉन्च हो सकते हैं जिनको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, वो लोग भी स्वरूपा मैम से पूछिए कि मॉडलिंग एंड म्यूज़िक वीडियो ये क्या कॉम्बिनेशन है। सो बहुत सारी चीज़ें हम वर्क कर रहे हैं, अचानक बात करते करते मुझे याद आया इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी जो अपना टॉपिक था आज का, मैंने सोचा इनसे मैं बात कर ही रहा हूँ तो इस वीडियो को शूट भी कर लूँ ताकि जो आप लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, उनको भी मेरी सोच समझ में आए कि इसके पीछे की क्या सोच है। इनका इनका जो कोर्स है 6 मंथ का, उसके लिए इन्होंने 1,25,000 पे किए हैं फीस के तौर पे। 6 मंथ का कोर्स है और फुल टाइम ही रहता है इनका कोर्स, 4 घंटे का कोर्स है लेकिन 4 घंटे का टाइम होता है ट्रेनिंग का, लेकिन ये सवेरे से शाम तक लेट्स एक्ट में ही रहते हैं और काम करते हैं। तो आप में से जो भी उस कोर्स के लिए आना चाहते हैं ज़रूर आइए, एक्सलेंस के पीछे भाग रहे हो तो ज़रूर आइए। आपको लगता है कि नहीं 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 टाइम पास करना है, देखते हैं होता है नहीं होता है, तो मत आइए, क्योंकि उस कोर्स के लिए एडमिशन भी डायरेक्टली नहीं दिया जाता, आपका क्या मकसद है वो देख के उसमें एडमिशन दिया जाता है। रही बात आपकी, तो आप जिस सीरियसनेस के साथ अब तक काम कर रहे हो उसी सीरियसनेस के साथ काम करो, आपका कोई भी जज नहीं है, कीप इन माइंड। मैं हूँ, अपने टीचर्स है, क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, हमेशा अपने आप से पूछिए कि ये जो रोल मैं कर रहा हूँ, ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ज़बरदस्ती खींच तान के कुछ क्यों कर रहा हूँ, मैं नेचुरली क्यों नहीं कर सकता। नंबर 2, क्या मैंने अपने आप को बदला, क्या अभिषेक को ही प्ले कर रहा है, क्या मैंने अपने आप को बदला। 3, क्या मैंने अपने बॉडी लैंग्वेज को बदला, क्या मैंने अपने थॉट प्रोसेस को बदला, क्या मैंने अपने बोलने के तरीके को बदला, जैसे मैं विनय आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या चेंज किया मेरे आवाज़ में, मेरे बोलने के तरीके में। क्योंकि आज आप सभी मेरे सामने हो, हर इंसान अलग कल्चर से आया है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का लाइफ अलग है, हर इंसान की कास्ट, कम्युनिटी, फाइनेंस, सोशल, हर एरिया अलग है। अपना कैरेक्टर कैसे सेम हो सकता है, उसका भी तो कुछ होगा ना जुगाड़, उसका भी तो कुछ चेंज होगा क्या नहीं होगा। और वही एक्सेलेंस के पीछे जब हम दौड़ेंगे, बिलीव मी, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन बात डेफिनेटली बनेगी। और आपका दौर इंडस्ट्री का सबसे गोल्डन पीरियड है, क्योंकि बहुत सारे वेब सीरीज़, OTT प्लेटफॉर्म है, फिल्में बन रही है जिनमें एक्सेलेंस है, वो काम ज़रूर करेंगे। तो सिर्फ डिक्शन सुधारना, डांस सीखना और थोड़ा बहुत फाइट सीखना और थोड़े बहुत डायलॉग याद करना, ग्रुप वाला नाटक करना, छोटा मोटा कुछ शूट करना, ऑडिशन बोलना, इसके बहुत बियॉन्ड एक्टिंग, इसके बहुत बियॉन्ड एक्टिंग। वो जूनियर KG है और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये PhD है, ये PhD है। और यही बात मुझे आपको भी शेयर करनी थी। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और इन स्टूडेंट को मैंने साथ में बिठाया ताकि ये थोड़ा कॉन्वर्सेशन हो। एकदम कैमरे को देख के मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, वो थोड़ा बोरिंग लगता है, बट इस तरीके से मुझे भी बहुत अच्छा फील मिलता है बातें करने में। सो थैंक यू सो मच, और जो भी आना चाहते हैं स्वरूपा मैम से कॉन्टेक्ट कीजिए, ज्वाइन लेट्स एक्ट। आप सबके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत लकी है, क्योंकि अब मुझे जो देख रही है आँखें, वो चाहती है कि मुंबई आना और अपने सपने को शुरू करना, बट वो शुरू नहीं कर पा रहे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मुंबई तक पहुंच नहीं पा रहे। आप बहुत लकी है कि आप मुंबई पहुंच पाए, अपने सपने को आप पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे। तो यही सिंसेरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ काम करते रहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। थैंक यू सर।